हे हेलो डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे आज जो वैकेंसी इन्फॉर्मेशन में दे रही हूँ ये आई हुई है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी दैट इज़ नेल्सा ये पांच स्टेनोग्राफर इनवाइट कर रहे हैं मतलब इन्होंने पांच स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज निकाली हुई हैं जो कि अलग अलग रोल मॉडल्स पर डिपेंड करती हैं बेसिकली स्टेनोग्राफर ग्रेड डी असटेंट लाइब्रेरियन जूनियर असटेंट ये जॉब रोल्स इन्होंने निकाले हैं जिसके लिए एजुकेशन रिक्वायरमेंट डिप्लोमा बैचलर इन लाइब्रेरियन ट्वेल्थ मांगा है टोटल फाइव वैकेंसीज हैं जॉब जो लोकेशन है वो न्यू दिल्ली में है एज लिमिट यहाँ पर अट्ठारह से सत्ताईस साल रखी गई है एक्सपीरियंस जीरो से तीन साल मतलब नहीं से तीन साल तक का आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर चल जाएगा सैलरी डिस्क्लोज नहीं की हुई है जो पोस्ट है जो निकली हुई है वो दो अप्रैल 2022 को निकली है और इसकी जो लास्ट डेट है वो तीस अप्रैल 2022 है यहाँ पर स्किल के लिए आपका नेम ऑफ पोस्ट स्टेनोग्राफर टेनोग्राफर गेट टू दो पोस्ट हैं ठीक है और बाकी जो अदर मैंने आपको बताया था ना उनसे रिलेट करता है जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका किस तरह से चलेगा Uh, जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है और जूनियर असिटेंट की है उसके लिए रिटिन टेस्ट जिसमें जनरल इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड जनरल नॉलेज कंप्यूटर नॉलेज स्किल टेस्ट होगा जो कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का होगा जो कि रिटिन में क्वालिफाई हो जाएंगे उनका फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइब्रेरियन यहाँ पर रिटिन टेस्ट में वही जनरल इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड जनरल नॉलेज कंप्यूटर नॉलेज एंड पोस्ट रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे तो उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए यहाँ पर जो वैकेंसी ओपन हुई थी वो आपकी दो तारीख को ओपन हुई थी और ये तीस तारीख को दस बजे रात दस बजे तक ये वैकेंसी ओपन है आप यहाँ पर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं जो एप्लीकेशन है वो आपका क्या है एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट ओनली कहाँ से लेंगे ऑनलाइन भरेंगे और कहाँ भरेंगे मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साइट में प्रोवाइड कर दूँगी इन्होंने ये भी क्लियर किया है कि जो वैकेंसीज़ हैं बेसिकली जो लिखते हैं कि इंक्रीज एंड डिक्रीज़ हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम रिक्वायरमेंट तो वो चीज़ें आप माइंड में रखेंगे यूजल जो एज रिलैक्सेशन है वो ओ बी सी एस सी पी डब्ल्यू डी जो होते हैं हेंडी कैप्ट हैं उनको गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग है एंड फाइव ईयर रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट ठीक है तो ये यहाँ पर इनका एज रिलैक्सेशन है जो आपको याद रखने वाली बात है वो ये है कि तीस अप्रैल इसकी लास्ट डेट है इस वैकेंसी का ऑनलाइन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैनेज कर दूंगी तो कीप इन टच हैव अ गुड डे